Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy. Student, हम लोग ने previous tutorial में package के बारे में discuss किया कि ये काम कैसे का है क्या और इसका working mechanism क्या है इसके बारे में हम लोग ने देखा। तो package के program को run कराने हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हमने बताया कि जिस नाम से हम लोग folder बनाते हैं उसी नाम से हम लोग package का नाम रखते हैं और अलग अलग डायरेक्टरी में हम लोग प्रोग्राम को सेव करने का काम करते हैं और उसको हम लोग एक जगह पर यानी मेन ब्लॉक में हम लोग उसको कैसे एक्सेस करने का काम करेंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलो पहले सबसे पहले हम लोग डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग अलग अलग प्रोग्राम को सेव करने का काम करेंगे। कंफ्यूज मत करना, अगर तुमको देखने में दिक्कत हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो और नहीं तो वीडियो को बार बार देखना पड़ा। हम सिंपल वे में हम दिखा रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग फोल्डर को क्रिएट करने का काम करेंगे। फोल्डर में हम लोग सेव करेंगे और जो मेरा मेन प्रोग्राम होगा वो डेमो के अंदर हम लोग सेव करते हैं जो कि हम लोग सेव करते आए हैं और डेमो फोल्डर के अंदर दो और डायरेक्टरी हम लोग क्रिएट करने का काम करेंगे जिस पर हम लोग अलग अलग प्रोग्राम को बना के सेव करने का काम करेंगे। तो चलो बच्चों सबसे पहले हम लोग फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं। कैसे हम लोग यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करते हैं इसको चलो हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर अपने माय कंप्यूटर में गए, हम लोग ई ड्राइव में बना रहे हैं, डेमो के अंदर हम लोग सारे प्रोग्राम को रन करा है। तो अब यहाँ पर हम लोग सिंपली राइट क्लिक किए, न्यू, अब एक फोल्डर हम लोग लेते हैं STU1 नाम क्योंकि जिस नाम से फोल्डर बनाएंगे उसी नाम से हम लोग पैकेज को क्रिएट करेंगे। दूसरा जो फोल्डर हम लोग बनाते हैं STU2 बना लिए, तो दो पैकेज हम लोग बना लिए, दो फोल्डर बना लिए, इसमें हम लोग दो पैकेज बनाएंगे। तो अब चलो हम लोग यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि जिस नाम से हम लोग फोल्डर बनाते हैं उसी नाम से हम लोग पैकेज का नाम रखते हैं, टर्मिनेट कर ली। अब इसको STU1 के अंदर हम लोग सेव करें, मान लो इसका नाम हम लोग A1 रख लिया .java। अब यहां पर बच्चों हम लोग लिखेंगे पब्लिक क्लास A1, जिस नाम से हम लोग क्लास बनाते हैं उसी नाम से हम लोग सेव, इसमें मैन नहीं बनेगा। अब चलो हम लोग लिखते हैं पब्लिक। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग ने अभी तक तुमको बताए थे, लोग को डिस्कस किए कि जावा में जो भी फ्रेंड होते हैं ये बाय डिफॉल्ट फ्रेंडली होते हैं, लेकिन अगर पैकेज की बात करते हैं यहाँ पर पब्लिक लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोग डिफरेंट डायरेक्टरी में उसको लिख रहे हैं, अगर हम लोग नहीं लिखेंगे तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। पब्लिक वाइड डिस वन, अब यहां पर लिखो system.out.println this message from STU1 package, just a message। तो बच्चों देखो अब इसको हम लोग डेमो के अंदर STU1 जो फोल्डर बनाए थे उसमें हम लोग सेव और क्लास का नाम क्या रखे, ये मेन डायरेक्टरी में सेव नहीं है, हम लोग यहाँ पर ई ड्राइव डेमो जो हम लोग का मेन हम लोग डायरेक्टरी उसके अंदर और एक डायरेक्टरी क्रिएट किए उसके अंदर हम लोग सेव। ये याद रखना, कंफ्यूज मत करना और अगर कंफ्यूज होगा तो कॉन्टेक्ट करना आप लोगों को। अब यहाँ पर पैकेज STU2, अब इसको हम लोग दूसरे फोल्डर में सेव करने का काम करें। अब ये बैक जाके देखो STU2 में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं A2.java, अब पब्लिक क्लास A2, पब्लिक वॉइड डिस, अब यहां पर हम लोग मैसेज लिखते हैं system.out.println this message from STU2
पैकेज हो गया। तो दो अलग अलग एक प्रोग्राम हम लोग STU1 फोल्डर के अंदर सेव किए हैं, इसलिए पैकेज का नाम है STU1। दूसरा वाला प्रोग्राम हम लोग STU2 पैकेज में हम लोग सेव किए हैं, इसीलिए हम लोग STU2 नाम रखते हैं पर पैकेज का, क्योंकि STU2 फोल्डर में। अब हम लोग मेन क्लास लिखते हैं। अब ये हम लोग डेमो फोल्डर के अंदर बैक कर लेना। अब डेमो के अंदर abc65.java इंपोर्ट, अब हम लोग लिखेंगे stu1.aa1। अब आ आया इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल करते हैं। तो aa1 इज अ क्लास नेम। अब दूसरा लिखते हैं बच्चों इंपोर्ट stu2.a2 क्लास abc65 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब a1 का ob1 इक्वल टू न्यू a1 लोग ऑब्जेक्ट बना ली। a2 का ob2 इक्वल टू न्यू a2 बना लिया दोनों क्लास का। अब ये दोनों हम लोग क्लास को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं बच्चों system.out.println this message from main block हो गया, सेव कर लिया। ob1.this1 और ob2.this2। तो अब चलो हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। अब ये देखते हैं कि कैसे ये रन करने का काम करता है, क्या आता है जावा की abc65.java abc65। अब दिस मैसेज फ्रॉम मैन ब्लॉक, दिस मैसेज फ्रॉम stu1 पैकेज और दिस मैसेज फ्रॉम stu2 पैकेज। तो देखो दो अलग अलग हम लोग यहां से क्लास प्रोग्राम बनाए और दोनों क्लास को हम लोग यहां पर क्या कर लिए। तो ये हम लोग ने देखा कि पैकेज से हम लोग कहीं पर भी फोल्डर में बनाए अगर हम लोग अपने सेव करें और उस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग ने सीखा पैकेज के थ्रू। तो ये हम लोग ने देखा कि कैसे वर्क करता है, इसके मैकेनिज्म को समझा जाना। और अधिक जानकारी के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना। Learn computer with Artis Academy.